हिंदी सिनेमा जगत में आपने यूं तो कई ऐसे किरदार देखे होंगे जिसमें अक्सर ही कलाकार अपनी अदायगी से हर किसी का दिल जीतते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ विलन के किरदार को बखूबी निभाया बल्कि इन्होंने एक पिता और दोस्त के किरदार को भी पर्दे पर बखूबी उतारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के लेजेंडरी कलाकार कुलभूषण खरबंदा जी की, जिनकी अदायगी के लोग आज भी दीवाने हैं। इनके सादगी भरे अंदाज और डायलॉग डिलीवरी आज भी लोगों के फेवरेट बने हुए हैं, जो आज भी लाखों करोड़ों की दिलों की धड़कन बने हैं। लेकिन आज हम आपको इनके बारे में नहीं बल्कि इनकी बेटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं कि आखिर इनकी बेटी कौन है, क्या करती है, कैसी दिखती है। तो चलिए जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो के जरिए हिंदी सिनेमा जगत के लेजेंडरी कलाकार कुलभूषण खरबंदा का जन्म 21 अक्टूबर 1944 को हसन अब्दुल पाकिस्तान में हुआ था और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एसटीएस स्कूल मेट्रो सर्किल से की, जिसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन करोड़ी मल दिल्ली से पूरा किया। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक रहा। इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग सीखी। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद थिएटर ज्वाइन किया, जिसमें इनके अभिनय को देखते हुए इन्हें साल 1974 में आई फिल्म निशान से इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला, जिसके बाद इनके अभिनय को देखते हुए निर्माता और निर्देशकों ने इन्हें कई और बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका दिया, जिनमें वीराना, फायर, लगान, शान, जुनून, कलयुग और जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। जिन फिल्मों में इन्हें कभी विलन के तौर पर देखा गया तो कभी एक पिता और दोस्त की भूमिका निभाते हुए देखा गया, और इन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा, जिस वजह से आज इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। फिल्म के बाद इन्हें टीवी सीरियल में भी देखा गया, जिनमें शानों की शादी और माही जैसे सीरियल्स शामिल हैं। वर्तमान में इन्हें वेब सीरीज मिर्जापुर में भी देखा गया था, जिसमें इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी की तो आपको बता दें कि इनकी बेटी का नाम श्रुति खरबंदा है, जो कि इंडस्ट्री की एक जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में अपना करियर बनाने के लिए साल 2014 में पुणे से पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई का रुख किया, जिसके बाद आज वो इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। अभी बात करें इनके निजी जीवन की तो इन्होंने रोहित नावेल से कुछ ही समय पहले शादी की थी और इनकी शादी काफी चर्चाओं में भी रही थी, क्योंकि इन्होंने उसी उम्मीद भवन पैलेस में अपनी शादी रचाई, जिसमें निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने दिसंबर में साल 2018 में शादी रचाई थी। बता दें कि श्रुति और रोहित पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में थे और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जहां अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में आई श्रुति खरबंदा दुल्हन के लिबास में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी और उनकी शादी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। वेल, तो आपको लेजेंडरी कलाकार कुलभूषण खरबंदा की बेटी से रूबरू होकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।